सो गाइज आज है 25 दिसंबर एंड अभी टाइम हो रहा है गाइज अराउंड यार 350 हो रहे हैं। सो गाइज आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है मेरे इंट्रूडर 150 के ऊपर। मतलब आज का व्लॉग मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार मेरे को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है अपने इंट्रूडर 150 में, जब मैंने 10,000 किलोमीटर इसको क्रॉस कर लिया है। और आफ्टर 10,000 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को सबसे अच्छी चीज़ें यार अपने इंट्रूडर में क्या क्या लगती हैं गाइज। सो यार बने रहो यार एक बढ़िया से व्लॉग में, और आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे को अच्छी लगती हैं और क्या मतलब ब्रेकिंग सिस्टम क्या सब कुछ बताने वाला हूँ एवरीथिंग। और गाइज सबसे पहले तो यार हैप्पी क्रिसमस डे, सो गाइज मेरे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी क्रिसमस। सो गाइज मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी यार रात को 12 बजे डाली थी अराउंड, बट वो पता नहीं क्या हुआ रिफ्रेश हो रही थी तो डल नहीं रहती। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर यार फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर हैंडल आ रहे होंगे, फॉलो कर लो यार। और यार एक बार व्यू देखो गाइस क्या मतलब मज़ा आ रहा है। इस टाइम पर मेरे को ट्यूशन भी जाना है, मतलब यार 5 बजे ट्यूशन जाना है, अराउंड 4 बज चुके हैं यार बेसिकली, क्योंकि यार वीडियो बनाने में ना काफ़ी सारे रिटेक होते हैं तो यार गुस्सा बहुत चढ़ता है। सो अब थोड़ा कंट्रोल करते हैं यार व्लॉग को, जल्दी से यार आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं यार अपनी बाइक के बारे में जो कि है सुजुकी के इंट्रूडर 150 गाइस। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस इंट्रूडर की सबसे पहली बात जो यार 10,000 किलोमीटर के बाद मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, ना ही मेरे को कुछ उसमें प्रॉब्लम फेस करने को आई, वो है गाइस इसकी ब्रेक्स, जो कि गाइस इसमें फ्रंट में मिलता है हमको ABS और पीछे में आपको सिर्फ यार डिस्क ब्रेक मिलती है ओनली, बट यार वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है यार। मेरे को मेरे हिसाब से ना गाइज ABS सिर्फ यार फ्रंट में होना चाहिए, रियर में गाइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज यार आपको कभी कभार जब यार आप एडवेंचर राइड कर रहे होते हो तो ऐसी कई सारी जगह आती हैं, जैसे इस टाइम पर मैं जो जगह पर खड़ा हूँ गाइज वहाँ पर क्या होता है गाइज की ना आपको कभी ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी होती है तो यार या तो मतलब ABS होना चाहिए कि वो होना चाहिए स्विचेबल वाला, कि स्विच दबाया ABS ऑन हो गया, स्विच दबाया ABS ऑन हो गया। तो यार मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी ब्रेकिंग सबसे पहले तो, और क्या बोलते हैं जहाँ पर भी गाइस अभी फ़ोन मेरा इतना अच्छा फोकस नहीं कर पा रहा तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, मोनेटाइजेशन अनेबल करो, सपोर्ट दिखाओ और DSLR लेंगे हम ज़रूर। और गाइज जल्दी से आते हैं बाइक पे। सो गाइज ब्रेकिंग जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो यार आपको तो भाई छोटा सा करो क्या पता गाइज, मैं हूँ 17 ईयर्स ओल्ड का, सो मैं राइडिंग भी करता हूँ, जो मेरे चैनल पर देख लो गाइज बहुत सारी मोटो ब्लॉग की राइडिंग भी है ब्लॉग्स भी है। और अब बढ़ते हैं गाइज दूसरे स्टेप के ऊपर जो कि है गाइज इसके शॉकर्स, जो गाइज शॉकर्स हैं वो ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो बाइक का गाइज ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस बेकार है बाइक का सो इतना बाइक में मज़ा नहीं आता, ये बात है कि गाइज। और गाइज जो दूसरी थिंग मैंने आपको बता दी, जो शॉकर है इसके वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे काम नहीं करते। और जो तीसरी चीज़ है वो मेरे को सबसे अच्छी लगती है बिकॉज मेरे सुजुकी इंट्रूडर में, जो कि है गाइज सुजुकी इंट्रूडर का कम्फर्ट। अब गाइज जैसे मैं देखो बाइक पर बैठा हूँ ना तो काफ़ी यहाँ पर मेरा लेग काफ़ी मतलब सीधा रहता है, ऐसे कोई फोल्ड वाला नहीं मुड़ा नहीं रहता, तो यार काफ़ी मेरे को अच्छा इसमें कंफर्ट मिलता है अपनी सुजुकी के इंट्रूडर में। और अभी मैं आपको यार प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ बाइक को, और जो पीछे वाला बंदा पैसेंजर बैठा रहता है ना उसके लिए है गाइस ये देखो हेडरेस्ट कह रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, मतलब यार अभी याद नहीं आ रहा तो मैं बाद में आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा जो भी होगा ये चीज़, थोड़ी बाइक को ना आगे कर देती है। हाँ जी गाइस, सो गाइस इसमें हमको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो मिलते हैं वो मिलते हैं 11 लीटर। सो यार 11 लीटर छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ठीक है यार मतलब। और काफ़ी लोगों का यार सवाल होता है कि गाइस इंट्रूडर लॉन्ग राइड्स के लिए या लॉन्ग जर्नीज के लिए बनी है कि नहीं बनी। सो यार मैंने YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी है कि भाई हाँ इंट्रूडर पर लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, बट अभी मेरा लाइसेंस नहीं आया किसी प्रॉब्लम से, सो जैसे ही मेरा लाइसेंस आ गया गाइज मैं भी लॉन्ग राइड पर जाऊंगा और आपको ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यार इंट्रूडर हाँ गाइज बनी है। सो गाइज जब आप यार लॉन्ग राइड पर जाते हो तो क्या होता है गाइज बहुत सारे आपको मल्टीपल रोड्स मिलेंगे, ऑफ रोड मिलेगा, प्लेन रोड, बर्फ वाले रोड मिलेंगे। सो गाइज तीसरी थिंग सबसे पहले मैं बताऊँ आपको,
सॉरी चौथी जो कि है इसके टायर्स। सो गाइस इस बाइक सेगमेंट में प्राइस सेगमेंट है, आपको कोई भी कंपनी रेडियल टायर नहीं देती रेयर में, जो कि गाइस सुजुकी ने कर दिखाया है। रेडियल टायर का मतलब क्या होता है यार, आप कम हवा प्रेशर में भी यार कैसे भी रोड पर यार अपनी बाइक को गाइस रन कर सकते हो। और मतलब गाइस मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाइक में किसी चीज़ की भी, अगर सही बताऊँ तो। बस एक प्रॉब्लम मेरे को क्या आई है, इसकी बॉडी है ना जो उस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बट मैंने इसमें गाइस सुजुकी की तरफ से इन्होंने क्या किया था, क्या बोलते हैं उसको, कोटिंग की थी, बट फिर भी यार स्क्रैचेज आ गए हैं थोड़े बहुत, तो उसका कोई मेरे को इशू नहीं आया। बॉडी के हिसाब से तो यार मेरे को मेंटेन करनी चाहिए थी बाइक को, बट वो मेरे से नहीं होती यार। ठीक है गाइस, और चौथी चीज़ सॉरी पांचवी चीज़ है गाइस जो वो है गाइस इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो कि है डिजिटल मीटर। और बस वो फ्यूल में थोड़ा काम नहीं दिखाता मेरे को, ऐसा लगा कि फ्यूल गेज थोड़ा मशीन है जो इसकी वो थोड़ी प्रॉब्लम देती है, बट उतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो दिखा देती है कि यार इसमें 1, 2, 3, 4 कितना लीटर पेट्रोल है। तो इंट्रूडर यार मेरे हिसाब से तो यार लॉन्ग राइड्स के लिए बनी है, और काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं यार इंस्टाग्राम पर, मेरे को DM भी आया था कि यार भाई इंट्रूडर लॉन्ग राइड के लिए बनी है कि नहीं। मैंने पूछा, मैंने बोला कि भाई मैं इसका एक व्लॉग बनाऊंगा, सो भाई ने कहा जल्दी बनाओ। सो बेसिकली यार आज क्रिसमस वाले डे पे बना रहा हूँ, और दो दिन बाद गाइस अराउंड 25 या 27 को मैं जा रहा हूँ गाइस वैष्णो देवी, तो उसका फुल एडवेंचरस व्लॉग आने वाला है। तो यार चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा देना। ओके गाइस, तो ये बेसिकली जो मेरा इंट्रूडर का वेरियंट है वो है गाइस फ्यूल इंजेक्टेड वेरियंट्स। तो इसमें क्या होता है गाइस, बाइक को ना यार मतलब रिजर्व में नहीं रखना होता तो बाइक प्रॉब्लम देने लग जाती है। बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार बाइक को प्लीज यार रिजर्व में मत रखो अगर आपकी कोई भी है फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है गाइस। ठीक है गाइस, स्पेशली इंट्रूडर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंट्रूडर है, और मेरे पास गाइस पल्सर RS 200 भी है, अगर आपको उसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी गाइस। ओके गाइस, सो और मैं बात करूँ तो बाइक की जो गियर शिफ्टिंग का जहाँ पर पोजीशन है वो एक नंबर रहता है ना, कंफर्ट के मामले में जो इंट्रूडर है वो बेस्ट है। जहाँ की मैंने एवेंजर भी चलाई है, एवेंजर मैंने स्ट्रीट चलाई है, बट मेरे हिसाब से यार जो क्रूज है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट भी इसकी काफ़ी यार सुजुकी की काफ़ी यार कंफर्टेबल है। बेसिकली मैंने इसमें सिर्फ सीट कवर डलवाया है, कोई कुशनिंग वगैरह कुछ स्पंज वगैरह कुछ भी नहीं डलवाया गाइस, क्योंकि यार लुक मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और छवीं चीज़ जो इसका एग्जॉस्ट है, ऐसी बाइक में ऐसी बाइक सेगमेंट में आपको देखा हुआ इसमें ड्यूअल साइलेंसर मिलता है, और ऐसी कोई भी बाइक नहीं है इस सेगमेंट में जिसमें गाइस ड्यूअल साइलेंसर मिलता होगा। और साउंड एकदम बेस्ट है जैसे होनी चाहिए। बस एक लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि यार इसका इंजन है जो वो 200 से 250 cc का होना चाहिए था, बट यार अब बाइक 150-100 सेगमेंट में है तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। बट मेरे को ऐसा कोई मतलब मेरे को ना थोड़ा सा पावर का इसमें इशू लगा कि पावर, बट ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी ये देख लो ऑफ रोडिंग पे खड़ा हूँ यार मैं भी, तो सही यार ग्राउंड क्लियरेंस भी है जो सही है, सारी चीज़ें सही है, एग्जॉस्ट सही है, शॉकर सही है, एवरीथिंग इज़ ओके। और हैंडल बस एक इशू मेरे को और लगा, जो यार इसका हैंडल है ना गाइस वो आप खुद के क्या बोलते हैं आफ्टर मार्केट यार आप लगवा नहीं सकते हैं गाइस, इसका जो हैंडल पोजीशन है, बट कंपनी वालों ने बिल्कुल फाइन दिया है कि आप थको मत गाइस, और आपकी जो कमर है ना वो थोड़ी सी बेंड रहती है, और यहाँ पर आपके अगर बैग्स हो ना गाइस तो आपकी कमर बिल्कुल टिकी हो सकती है, तो आप सोच रहे हो लद्दाख जा रहे हैं, हम यहाँ पर टैंक बैग लगा है, देखते हैं यार मेरा ड्रीम कब पूरा होगा गाइस वो। तो बस गाइस बाइक की यार कुछ आपको चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी यार, और वीडियो अगर आपको यार अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और बिना चैनल सब्सक्राइब किए तो मत जाओ, हम 1K के बहुत करीब है, अराउंड मेरे 700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो भाई साहब व्यू है गाइस एकदम बढ़िया आ रहा है, अभी देखो फिर से मेरा फ़ोन कैप्चर नहीं कर पाता, थोड़ा ब्लैक कर देता है मेरा फ़ोन, एक नंबर है गाइस बाइक को। और मतलब यार वैल्यू फॉर मनी है, ऐसी बात नहीं कि पैसे वेस्ट है, बेस्ट है गाइस बेस्ट। सो बस गाइस अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो यार, मैं रोड अपडेट्स देता हूँ। सो मेरे फ़ोन में एड्स आने लगी थी तो इसलिए यार मैंने फ़ोन को रीसेट मारा, इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं आ रही थी। बस गाइस मिलते हैं मेरे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज KO फिल्म्स साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय गाइस।